जी अस्सलाम वालेकुम, सवा न्यूज़ के साथ मैं हूँ खुर्रम शहज़ाद और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उम्मीदवार ब्राइट चेयरमैन यूसी मुगल 23 चौधरी कामरान शहज़ाद साहब। हम इनसे जानते हैं कि वो क्या मकसद लेकर सियासत में आए हैं, उनका मंशूर क्या है। जी चौधरी साहब, हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आपका क्या मकसद है सियासत में आने का। सियासत में आने का मकसद, सियासत से तो हम काफ़ी टाइम से वाबस्ते हैं, तो इलेक्शन में पहली दफ़ा लड़ रहा हूँ। सियासत में आने का हमारा मकसद है कि आवाम की खिदमत, जो इलाके की महरूमियाँ हैं उनसे हम बखूबी वाकिफ़ हैं, तो इंशाल्लाह अगर हम कामयाब हुए तो उन तमाम पे काम करेंगे और जो जो हमारे इलाके के मसाइल हैं उन्हें हल करने की कोशिश करेंगे। वैसे भी हम इलाके की खिदमत करते रहे हैं और इंशाल्लाह अगर कामयाब हो गए तो मज़ीद इसके लिए हम काम करेंगे। जी अगर आवाम अहल इलाका आप पर एतमाद करके आपको इलेक्ट करवा देते हैं, जितवा देते हैं, तो इलाके की जो पसमंदगियाँ महरूमियाँ वो आप दूर करेंगे और आप किस हद तक ये काम करा सकते हैं? इंशाल्लाह जी, जहाँ तक हो सका हम खुद भी करेंगे और जो काम आला क़यादत तक हमें पहुँचाना पड़ा काम, तो उनसे भी हम करवाने की कोशिश करेंगे। जो बड़े काम हैं, जो रोड के मसले हैं या कोई बाकी जो इलाके की सीवरेज गलियां या कब्रिस्तान के मसले हैं, ये तो हम खुद इंशाल्लाह हल करेंगे और करते रहे हैं, तो बाकी जो बड़े काम आए वो इनके ऊपर आला क़यादत से भी रब्ता करेंगे और उन्हें भी हल कराने की कोशिश करेंगे। जी शुक्रिया।